फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदाज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चने की दाल की पूरी की ऐसी रेसिपी जिसे आप सफ़र में ले जाना पसंद करेंगे, और जो कि आप टिफ़िन में बच्चों को दे सकते हैं, आप ब्रेकफास्ट में इसे खा सकते हैं, या हल्की फुल्की भूख के लिए शाम को भी इसे खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है, बिल्कुल कचौड़ी का स्वाद देगी और ऑल टाइम रेसिपी है, कभी भी इसे बनाकर खाया जा सकता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने चने की दाल ली है जिसे मैंने 4 से 5 घंटे भिगो दिया था, और इसका सारा पानी जो है निकाल दिया है। अभी हम इसे पीसेंगे, पर इसे पीसने से पहले हम कुछ मसाले हैं जो कि पीस लेंगे। तो यहाँ मैं एक मिक्सी का जार ले रही हूँ, इसमें डाल दूँगी अदरक, हरी मिर्चें, जीरा, धनिया साबुत, सौंफ, और इन सबको क्या करेंगे हम जो है पीस लेंगे। तो मैं इसे पीस के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो है ना हल्का सा दरदरा रखा है और इसे अच्छे से हमने पीस लिया है। अब क्या करेंगे हम हमारे चने की दाल पीसेंगे। तो इसी जार में मैं चने की दाल डाल के इसे थोड़े से पानी के साथ बिल्कुल स्मूथ सा हम पीस लेंगे। तो मैं इसे पीस के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने बहुत ही बढ़िया से स्मूथ सा इसका पेस्ट जो है बना लिया है। अब मैं इसे जो है मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कर दूंगी। और अब मैं इसमें 4 चम्मच के आसपास ये बिल्कुल महीन वाली सूजी ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप बिना सूजी के भी बना सकते हैं, या फिर अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो उसे आप एक बार जो है मिक्सी में चला लीजिएगा तो बिल्कुल महीन सी हो जाती है। और इसे मैं थोड़ी देर के लिए रख दूंगी ताकि सूजी जो है हमारी थोड़ी सी फूल जाए। तो फ्रेंड्स, इसे रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें हमारे कुछ मसाले जो है वो ऐड कर लेंगे। तो यहाँ मैंने जो अभी मसाला पीसा था तो सबसे पहले हम वही ऐड कर देंगे, और इसी के साथ इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, नमक थोड़ा सा तो क्या स्वादानुसार ही जाएगा, तो मैं 1.5 चम्मच के आसपास डाल रही हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च, धनिया पाउडर, देगी मिर्च। तो मसाले फ्रेंड्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लाल मिर्च, और इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे हींग, और एक बार इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, जीरा, अजवाइन, और इन सबको अच्छे से मिक्स करना है हमने। तो इस स्टेज पे आप मसाले जो है ना थोड़ा सा टेस्ट करके देख लीजिए, अगर आपको कम ज़्यादा लग रहे हैं तो हम इसमें अभी एडजस्ट कर लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून के आसपास ऑयल, और इसी के साथ हम इसमें आटा जो है वो भी ऐड कर देंगे। तो आटे का कोई मेजरमेंट नहीं है, जितनी आपकी दाल जो है इस गीली होगी उसके अकॉर्डिंग ही जो है ये आटा जाएगा। तो अभी मैं 1 से 1.25 कप के करीब आटा ले रही हूँ, और इसमें हमने पानी नहीं मिलाना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से ही इसी दाल में ही हमने इसे गूंदना है। तो जिस तरह पूरी का आटा लगाते हैं सेम वैसी प्रोसेस से लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आटा हमने लगा लिया है, और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी,
तो मैंने और आटा नहीं लिया है, पर आपको आटा कम या ज़्यादा जो है वो लग सकता है, डिपेंड करता है दाल कितनी गीली है। और अब मैं इसे ढक दूंगी कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, इसे रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं और एक बार हम वापस इसे चिकना कर लेंगे। और अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां जो हैं वो तोड़ लेंगे। तो हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और जितनी बड़ी छोटी आपको बनानी है उस हिसाब से आप इस तरह से लोइयां जो हैं इसकी तोड़ लीजिए। तो इस तरह से मैं सारी जो है लोइयां बना लूंगी। तो फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल और इसे अच्छे से फैला देंगे। इसी तरह से हम बेलन में भी ऑयल लगा देंगे। और अब हम लेंगे एक पेड़ा और इसे जो है बेल लेंगे। तो बहुत पतली ये पूरी जो है नहीं बेली जाएगी, थोड़ी सी मोटी रखनी पड़ेगी, जैसे कचौड़ी रखते हैं हम, कचौड़ी के लिए जो हम बेलते हैं। तो बहुत ही टेस्टी ये लगेगी और खस्ता बनेगी एकदम। तो इसी तरह से मैं सारी बेल लूंगी पूरियां। तो मैं आपको एक और बेल कर दिखा देती हूँ इस तरह से। तो मैं इसे बेल कर फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ पूड़ियाँ जो हैं वो बेल ली हैं, अब इन्हें हम फटाफट से फ्राई कर लेंगे। तो पहले हम छोटा सा ये डाल के टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। तो तेल हमारा काफ़ी अच्छा गर्म है और इसे हम निकाल लेंगे। और अब हम हमारी पूड़ी डाल के इसे फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे जो है मीडियम हीट ऑयल में जो है ना वो हम फ्राई करेंगे, क्योंकि ना ये जो चना के दाल की पूड़ी है ये थोड़े सा टाइम लेगी, क्योंकि चने को पकने में थोड़ा समय लगता है। बहुत ही खस्ता ये पूड़ी बनके तैयार होती है और काफ़ी समय तक जो है ये क्रिस्प बनी रहती है। आप इसे सफ़र में ले जाइए, चाय के साथ या टिफ़िन में, बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, बहुत ही अमेजिंग ये लगती है, बिल्कुल कचौड़ी जैसा टेस्ट लगता है। आपको देखने से ही लग रहा होगा, ये देखिए बहुत ही ये क्रिस्प है। और इसी तरह से हम बाकी की भी पूड़ियाँ जो हैं ये फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितने फटाफट से ये हमारी बढ़िया बढ़िया सी फूली फूली सी कचौड़ी स्टाइल की ये जो पूड़ियाँ हैं वो बन रही हैं, तो आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही हम सारी पूड़ियाँ जो हैं फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा नाश्ता है बिल्कुल रेडी है। बहुत ही सिंपल मैंने इसे रखा है, क्योंकि मसालेदार पूरी है, उसके साथ बिल्कुल सिंपल सी प्लेन सी दही है, साथ में अचार और चटनी है। इसे आप अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ, किसी भी सॉस के साथ खाइए, बहुत ही अमेजिंग लगती है। तो इसे हम तोड़ के भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही बढ़िया ये बन के रेडी होती है। ये देखिए अंदर भी इसके मसाला आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये खस्ता सी कचौड़ी है, बिल्कुल वही टेस्ट देगी। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो इसे तो मैंने सर्व कर लिया है। अगली बार एक और इजी रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार हमारा बहुत ही अमेजिंग सा, टेस्टी सा, बहुत ईजी सा ये स्नैक्स, जिसे आप दिन में कभी भी खाना पसंद करेंगे, कभी भी इंजॉय कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं और टिफ़िन के लिए भी बेटर ऑप्शन है।
आई होप कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगली बार एक और इजी रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।